हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। तमाम मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल, जब भी देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से राष्ट्रीय चैनलों पर जब भी किसी डिबेट की बात होती तो आपका कोई भी प्रमुख नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, वो खाली एक ट्वीट करके अपनी बात को ख़त्म कर देता। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम खुद भी देखते रहते हैं, पर कुछ ऐसे चैनल हैं जो प्रो बीजेपी हो गए हैं और वो बीजेपी के द्वारा संचालित होने की वजह से हमारे नेता भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉजिकली बात होती नहीं है। और इसलिए कुछ चैनलों में आपको ऐसा दिखाई दिया होगा। हम तो बराबर डिबेट करते हैं आप लोगों से, जब भी आते जाते हैं बातचीत करते हैं। कई चैनल्स पे हम देखते हैं हमारे राष्ट्रीय नेता भी, प्रदेश के प्रवक्ता लोग भी हर विषय पे बात करते हैं। तो ये कहना गलत है, हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और समय समय पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी जनता की परेशानी है उसको उजागर करने का काम करते हैं, सरकार को सचेत करने का काम करते हैं। बस सरकार चाहे प्रदेश की हो और चाहे केंद्र की हो, ये गूंगी बहरी हो गई, इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब जब जिसको दिखाई नहीं दे, सुनाई नहीं दे, अब बोलने का तो झूठ ही झूठ बोलते हैं, ये आप भी जानते हैं कि कितना झूठ बोला। अच्छे दिन से शुरू करके न काला धन मिला, न नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। अच्छे दिन से शुरू करके आत्मनिर्भर पे छोड़ दिया, पकौड़ा तलना तो पहले ही बोल दिया था प्रधानमंत्री ने, ये भी एक हुनर है। अब वही स्थिति पैदा कर दी, अब कोई पकौड़ा खाने के लिए भी नहीं, जेब में पैसा नहीं बचा। आपका कोरोना संक्रमण काल में न दवाई मिली, न ऑक्सीजन मिला लोगों को, लोग डॉक्टरों के अभाव में, ये तो हमारे झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनको हम लोग वर्तमान में तो भगवान का ही दर्जा देते हैं, उन्होंने जिस तरह से बिना डर के लोगों की जान बचाने का काम किया है। सरकार से तो हमारा आग्रह है, तीसरी वेव के लिए इनको ट्रेनिंग दीजिए, इनका प्रशिक्षण करिए, और सच में यही कोरोना योद्धा के रूप में हमारे डॉक्टर्स वगैरह तो सीमित है, नर्सेस सीमित है, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई, पर उतनी संख्या में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे गांव-गांव में जो झोला छाप जिनको बोलते हैं डॉक्टर, जो हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षित तो हैं, अपना जो भी उनका दिमाग है उसके हिसाब से उपचार करते हैं, पर सरकार की तरफ से उनको प्रशिक्षित करके और वर्तमान में आने वाले संकट के लिए और उनको तैयार कर दिया जाए तो हो सकता है कि थर्ड वेव से बचा जा सके। 136 साल पुराना आपकी पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस जब से 47 आज़ादी के बाद से सबसे बुरे दौर में इस समय गुजर रही है, सबसे कम लोकसभा में आपकी संख्या है, मुद्दों की कमी नहीं, कांग्रेस सड़कों में कब से दिखाई देगी? कांग्रेस सड़क पे है, कांग्रेस के पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता लगातार सरकार की जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी कुप्रबंधन है, उनकी जो भी नीति है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई आपको मालूम है, बेरोजगारी चरम, हर विषय को लेके हमारे नेता कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पर सच बात ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी हैं या जो सरकार के पार्ट हो गए हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। रही संख्या बल की बात, ये दो लोग थे, दो सांसद से आज जिस तरह से तिकड़मबाजी करके, झूठ फरेब करके सरकार तो बना ली है, पर झूठ फरेब से बहुत दिन तक चलता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो इतिहास हम कह सकते हैं कि हमारे देश के एक एक व्यक्ति के लिए गौरवशाली है। ये वही इतिहास है जिसने देश को आज़ादी दिलाने से लेके देश को आगे ले जाने का काम किया, जहाँ सुई तक नहीं बनती थी आज वहाँ सब कुछ बन रहा है। पर अब यहाँ वो चीज़ें ना बनवा के बड़े बड़े जो बाहर के, जिनका ये लोग हमेशा स्वदेशी की बात करते थे, आज आप देखिए कि कितना बड़ा अभी राफेल में घोटाला कर दिया। जो हमारे हिंदुस्तान में इंडस्ट्री है, हमारे आर्मी के लोग बना सकते थे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बना सकते थे, वो यहाँ न करके कितना बड़ा घोटाला किया और बाहर दे दिया, और किसी उद्योगपति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जिसको कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभव नहीं है इस क्षेत्र में, उसको उसके माध्यम से पूरा खेल किया। तो ये अंतर है, कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा देश को बनाने का काम किए हैं, किसान हो चाहे नौजवान हो चाहे गरीब हो, हर किसी के लिए योजनाएं बनाई,
राजीव गांधी विद्युतीकरण से लेके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लेके मनरेगा योजना जो आज कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा काम आई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसको मोदी जी बोल रहे हैं कि हम खाद्यान्न दे रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, ये योजना किसने बनाई थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। मनरेगा योजना जिसका मजाक उड़ाते थे, अगर इस बीच में लोगों को काम मिला, रोजगार मिला गांवों में गरीबों को, तो मनरेगा से मिला, विकास भी हुआ। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हम तात्कालिक योजनाओं की बात कर रहे हैं। जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, सारा का सारा कांग्रेस पार्टी का देन। आज टोले मजरे में विद्युतीकरण हुआ, राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत हुआ। अगर रीवा में भी सौंदर्यीकरण दिखाई देता है, ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट के तहत ये स्कीम चालू हुई, तो जितने महानगर हैं वहाँ करोड़ों रुपए दिए गए और उसी के तहत आज डेवलपमेंट हुआ। पर दुख है कि रीवा में डेवलपमेंट जितना रीवा का होना चाहिए उतना नहीं हुआ, भ्रष्टाचारियों का ज़्यादा, जो सरकार में शामिल थे लोग उनका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरीके से आपकी सरकार चुनाव को लेकर, नगर पालिका के चुनाव की अगर अपन बात करें, तो लेके मुद्दे आपने जो प्रणाली को बदला था, बीजेपी ने उसके खिलाफ तमाम तरीके का आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, अब वापस उसी प्रणाली पर आ गई है। देखिए, बीजेपी की कोई नीति नहीं है, कोई उनका सिद्धांत नहीं है, ये समय समय पे अपने हिसाब से ये लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतिक पार्टी है, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया था वो सोच समझ के निर्णय किया था और अपव्यय को बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई थी। देर से आए, दुरुस्त आए, समझ में आए उनको कि कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी वो अच्छी थी। हमने तो पंचायत चुनाव के लिए भी परसीमन कराए, जो बड़ी बड़ी पंचायतें थी 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में जीती, हमने उसको छोटा करने का भी परसीमन भी कराया कि हमारे और जनप्रतिनिधि भी बढ़ेंगे और डेवलपमेंट होगा। हमने तो बहुत सारे काम हम लोगों ने बहुत कम समय में किया है और इसका अब जनता रियलाइज़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब ये चौथी बार सरकार बनी और हमारी 15 महीने की सरकार, कर्ज माफ़ी से लेके बिजली के बिल का, जो हम लोगों ने इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत जो व्यवस्थित किया था, 1 रुपये 1 यूनिट, किसानों को 10 हॉर्स पावर तक जो व्यवस्थित किया था, बिजली पूरे टाइम मिलती थी, आज तो बिजली भी नहीं मिल रही है। तो इनकी अव्यवस्थाएँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम लोगों ने 300 से 600 बढ़ाया था, कन्या विवाह की राशि 51,000 किया था, ऐसे बहुत सारे काम, गौशाला 1,000 बनाई थी, जो हमेशा ये गौ रक्षा की बात करते थे, एक गौशाला नहीं बनाई थी बताएं। अब जो हम लोग गौशाला बनाए थे, संचालित किए थे, आज उसमें कुप्रबंधन हो गया है, हमारी जो गाय माता है उनको भूसा चारा नहीं मिल रहा है। तो ये दुख की बात है कि अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। वो भाजपा के नेता सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है।